एक्सक्यूज मी रविना जी। हाय 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 हाय, ऐसा लगता है जैसे बादलों में चांद निकल आया। ये होंठ झूठ बोलने के लिए नहीं, चूमने के लिए है। बॉलीवुड में मस्त मस्त गर्ल के नाम से जानी जाती रविना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 में हुआ। रविना टंडन को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, लेकिन अपने करियर की शुरुआत की थी इन्होंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स के साथ। पहला ब्रेक मिला फिल्म पत्थर के फूल में, ऑपोजिट काम कर रहे थे सलमान खान। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें म्यूजिक भी अच्छा था और स्टोरी भी दमदार, और सभी ने रविना टंडन के अभिनय को खूब सराहा था। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू। मुंबई के जमनाबाई नारसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की और फिर मीठीबाई कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन 2 साल के बाद ही कॉलेज को छोड़ दिया और मन पक्का कर लिया कि वो अपना करियर बनाएंगी तो अब ग्लैमर वर्ल्ड में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पहले स्टेज पे आने की? तो आप हैं वो साहबजादी जिसने पब्लिक को इंतजार करवाया? हाँ, ये जो हाथ तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, ये हमारे सामने फैलाने वाले हाथ हैं। और ये स्टेज जिस पर तुम कूद रहे थे, ये हमारे डैडी के लाखों के डोनेशन से बना हुआ है। रविना टंडन के पिता रवि टंडन फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, लेकिन इस बात का रवीना को कुछ खास फायदा नहीं हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम बढ़ाने शुरू किए। रवीना के एक हॉट सिजलिंग गाने ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। गाना था फिल्म मोहरा से तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इसी फिल्म का एक और गाना जिसमें रवीना टंडन बारिश में भीगती हुई बदन से चिपकती हुई साड़ी पहने नजर आई थी। यूं तो रवीना टंडन का नाम सुपरस्टार्स की गिनती में आ चुका था, लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होती चली जा रही थी, और ये वो वक्त था जब रवीना ने अलग तरीके की सिनेमा की तरफ रुख किया। और कल्पना लाजमी की फिल्म दमन में रवीना टंडन के अभिनय को इतना सराहा गया कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। सुन सुन गोरिया, क्या बोले तेरा कंगना। ये भी कहा जाता है कि करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में रानी मुखर्जी का किरदार पहले रवीना टंडन को ही ऑफर किया गया था, लेकिन रवीना ने सेकंड लीड कहकर इस ऑफर को ठुकरा दिया था। वही कहा कि एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के आगे झुकता है। कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ पैरेलल सिनेमा के क्रिटिक्स ने भी रवीना की तारीफ की, खास तौर पे फिल्म सत्ता में जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाया था। राजनीति में होने का ये मतलब तो नहीं कि आपके पास कोई पद या पोजीशन हो। अपनी निजी जिंदगी में इन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया जिनका नाम पूजा और छाया है। हम तो तुझे से मोहब्बत करते थे, हम तो तुझे से मोहब्बत करते थे, हमेशा हमेशा। बाद में रवीना टंडन की दोस्ती हुई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ठडानी से, और 22 फरवरी 2004 में रवीना ने ठडानी से शादी कर ली। शादी के बाद रवीना ने अपनी बिटिया राशा और बेटे रणबीर को जन्म दिया। लड़का दीवाना लगे आशिक पुराना लगे। और कुछ बरसों तक बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद रवीना टंडन दोबारा नजर आ रही हैं, कभी टेलीविजन पर तो कभी सिल्वर स्क्रीन पर। भारतीय सिनेमा के इतिहास में रवीना टंडन का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा।